हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो पार्ट फर्स्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, तो वहां से पार्ट फर्स्ट आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शेरों के प्रति प्रतिरोधी रखने वाले पशु है। तो याद रखना, शेरों अर्थात टीवी के प्रति, तो कौन सा है राइट आंसर? बकरी। अब कैसे रखता है, तो याद रखना जो टीबी के रोगी होते हैं तो उनके लिए जो बकरी का मिल्क होता है वह क्या होता है, बेनिफिशियल साबित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गो पशु की सबसे बोनी किस्म कौन सी है। तो याद रखना कौन सी है, सबसे जो बोनी किस्म है वह मानी जाती है बछूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुरपका और मुहैपका रोग इसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो याद रखना जो फूड एंड माउथ डिजीज होती है वह किसके द्वारा फैलती है। तो आपको पता होगा कि जो FMD डिजीज होती है वह फैलती है वायरस के द्वारा। ठीक है, और इसके जो कंट्रोल के लिए यूज़ किया जाता है वह किया जाता है FMD वैक्सीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युद्ध क्रीड़ा करने के लिए जो प्रसिद्ध भारतीय है, याद रखा यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, बकरी की नहीं बल्कि मुर्गी की नस्ल है। तो याद रखना कौन सी है, असील, जो कि यानी एक मनोरंजन के लिए उन्हें आपस में लड़ाया जाता है, युद्ध क्रीड़ा भी उसे बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बछड़े को दिया जाने वाला खीस का क्या महत्व है। तो आप याद रखना जो यानी कोलेस्ट्रम होता है वह क्यों दिया जाता है, उसकी क्या मुख्य विशेषता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हुआ, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। तो अब आपको पता होगा कि जो बछड़ा जब उसका जन्म होता है तो उसको क्या होता है, एक कोलेस्ट्रम दिया जाता है अर्थात खीस पिलाया जाता है, जो कि उसके लिए किसके लिए आवश्यक होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशुओं में एंथ्रेक्स रोग का लक्षण है। तो अब याद रखना कि इसमें क्या होता है, एंथ्रेक्स रोग जब हो जाता है सबसे ज़्यादा होता है गाय और भैंस में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आकस्मिक मृत्यु होती है अर्थात उसकी कोई विशेषता नहीं देती, कोई लक्षण नहीं दर्शाती, जबकि एक दिन में एक या दो दिन में उसकी क्या होती है, पशु की अचानक मृत्यु हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रीम निकालने हेतु दूध का टेम्परेचर कितने डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं। तो अब याद रखना जो हम उसको क्रीम को अलग करेंगे दूध से, तो उसके लिए कितना होना चाहिए, उसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेज क्या है। तो अब आपको पता होगा कि जो साइलेज होता है सबसे अच्छा किसका बनता है, मक्का का बनता है। ठीक है, साइलेज और हे, आपने दो नाम तो सुने ही होंगे कि साइलेज और हे, ये दोनों ही क्या है, एक संरक्षित हरा चारा है। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा, संरक्षित हरा चारा। साइलेज तो बनता है मक्का का और हे बनता है सबसे अच्छा बरसीम का। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप याद रखें क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बकरी की नस्ल है। तो अब याद रखना गिर, मुर्रा और थारपारकर, गिर और थारपारकर तो किसकी है, गाय की, और अगर बात की जाए मुर्रा तो मुर्रा है भैंस की नस्ल, और ये जो बारबरी है ये किसकी नस्ल है, बकरी की। अर्थात हमारा राइट आंसर कौन सा हुआ, बारबरी नस्ल बकरी की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि किस भैंस के सिंग छोटे व जलेबी के आकार के होते हैं। अब याद रखना जलेबी के आकार, तो जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन में देखने को मिले कि किस भैंस के जो सींग होते हैं जलेबी के आकार के होते हैं, तो वह कौन सी नस्ल हुई, मुर्रा नस्ल। ठीक है, तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलो मिलते हैं कोई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जब तक लिए जय हिंद जय भारत। और अगर इस वीडियो की आपको PDF लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, बाय बाय।